Hello everyone, how are you? You all are welcomed in the class 11th and the subject is political science. So students, today we are going to discuss this very special topic. Actually, this is the new updated topic by the CBSE. So this is taken from the book Part B, Political Theory. So let's start today's new topic. This topic is taken from the legislature. The name of the topic is officials. Which official we are going to talk? Speaker, deputy speaker, parliamentary secretary. So these three officials are there which we are going to discuss today. Students, you must remember the legislature. ये हमारी एक law making institution है, पूरे country के law बनाने वाली legislature है. और हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है. सो पार्लियामेंट्री इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. इसको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं हम. सो वी आर हैविंग टू हाउसेज इन द पार्लियामेंट. वन इज़ राज्यसभा एंड सेकेंड वन इज़ लोकसभा. इन लोकसभा हु प्रिजाइड ओवर द मीटिंग. मीटिंग को कौन देखता है, वर्क कौन देखता है, हु प्रिजाइड्स ओवर, चेक्स द वर्क, अरेंज द वर्क्स. This work is done by the Speaker of Lok Sabha. So let's start. The Speaker of the Lok Sabha is presiding officer of the Lok Sabha, and you know Lok Sabha is the lower house of the Parliament. Parliament के lower house में जो भी meetings का work है उनको preside over करना, meeting handle करना, arrange करना, all these works are done by the Speaker. So Speaker of Lok Sabha, we can say he is elected generally in the first meeting of Lok Sabha following the general election. Means के general election Lok Sabha के जब भी होते हैं उसके तुरंत बाद जो उनकी meeting होती है Lok Sabha के members की, उस meeting में ही, पहले meeting में ही Speaker की election हो जाती है. और इसकी election का क्या criteria, ये 5 year के लिए होता है. जैसे हमारी government बनती है 5 year के लिए, लोकसभा बनती है, तो ये भी 5 year के लिए होता है, बट उससे पहले भी इसको रिमूव किया जा सकता है. ओके, तो जो स्पीकर है दैट इज चूजन फ्रॉम द सिटिंग मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. जो लोकसभा में मेंबर्स हैं, जो हाउस ऑफ द पीपल है, जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा, उसमें जितने मेंबर्स हैं, जब भी उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है, वो एक प्रथा है, करवाए कन्वेंशन के तौर पर. जो रूलिंग पार्टी है जिसको ज़्यादा मेजोरिटी मिली है, चाहे वो अलायंस पार्टी है, मिलके उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, वो सारे मेंबर मिलके स्पीकर की इलेक्शंस करते हैं. तो आज के हमारे स्पीकर हैं जो करंट हमारे, दैट इज ओम बिरला ऑफ भारतीय जनता पार्टी. ही इज द करंट स्पीकर. ही प्रिजाइड्स ओवर द 17th लोकसभा. और इनसे पहले जो थे शिवा सुमित्रा महाजन. एंड सैलरी कितनी है इसकी, 1,25,877 रुपीज. नाउ सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर दैट इज स्पीकर. इसको चूज कैसे करते हैं, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए? तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले जो स्पीकर है वो हमारे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. एंड ही और शी मस्ट नॉट लेस देन द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल से कम ना हो. एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ स्टेट गवर्नमेंट. मतलब सरकारी कामकाज के अंडर वो कहीं ना लगा हो, तो उसकी एज 25 ईयर से कम ना हो और वो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है. सो ये हमारी एलिजिबिलिटी. अब देखते हैं इसके इलेक्शंस. जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो नई पार्लियामेंट हमारी लोकसभा बनी है, उसमें स्पीकर वो अपने आप जो चूज कर लेते हैं, मतलब जो लोकसभा के मेंबर है पार्लियामेंट में, वो अपने आप में, अपने में से ही किसी को मेंबर चूज कर सकते हैं. और जो स्पीकर है समवन हु अंडरस्टैंड्स लोकसभा फंक्शन, जिसको इसकी सबकी नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो लोकसभा के, कैसे चलाना है, इसके काम काज कैसे करने हैं, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए. इट शुड बी समवन एक्सेप्टेड अमंग द रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी. और सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त है स्टूडेंट्स कि जो भी हमें स्पीकर चूज करना है वो रूलिंग पार्टी और स्पेशली अपोजिशन पार्टी दोनों का ही फेवरेट होना चाहिए, दोनों उसको चूज करने में अपनी सहमति दें. नेक्स्ट है हमारा,
इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, इसकी जो इलेक्शन है कैसे होगी, इलेक्शन आपस में वो चूज करते हैं, अपने आप चूज करते हैं एमपीज जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे प्रपोज अ नेम टू द प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम स्पीकर जो अभी बन रहे करंट बीइंग, तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रपोज करते हैं नेम। दीज नेम्स आर नोटिफाइड, इनको नोट किया जाता है, प्रेसिडेंट को नोट करवाया जाता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के थ्रू जनरल जो हमारा सेक्रेटरी जनरल है उसके थ्रू इलेक्शंस की डेट फिक्स की जाती है। तो बाद में जो मेंबर्स हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो अपने में से वोट डाल के उसको चूज कर लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा नेम है तो वोट्स होती हैं, अगर सिर्फ एक नेम है, ओनली वन नेम इज प्रपोज्ड, तो स्पीकर वैसे उसको ही बिना कोई फॉर्मेलिटी के, बिना किसी फॉर्मल वोट्स के, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है अगर किसी एक मेंबर का ही नेम है। और किसी हालत में हम ये भी कह सकते हैं कि मोर देन, अगर ज़्यादा नॉमिनेशन है तो फिर क्या हो जाएगी, वोटिंग होगी। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपीस, दे वोट फॉर द कैंडिडेट ऑन सच डेट नोटिफाइड बाय प्रेसिडेंट। जो डेट प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं उस डेट को फिर वोटिंग होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि स्पीकर जो है लोकसभा का, वो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन तक काम करता है, वो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, मतलब जो 5 ईयर पूरे कर लेता है। और नॉर्मली हम ये भी देखते हैं कि अगर प्रेसिडेंट किसी का नेम इंट्रोड्यूस करे, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर ले, उसको फिर हम ऐसे ही लोकसभा उसको स्पीकर अपना एक्सेप्ट कर लेती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिमूवल ऑफ द स्पीकर। स्पीकर को रिमूव करने का क्या प्रोसेस है? स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय द लोकसभा बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। मतलब जितनी लोकसभा की मतलब मेंबर्स हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसमें अगर मोर देन 50%, हाफ से ज़्यादा लोग अपनी सहमति दे दें उसके अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो उसके अगेंस्ट हमने अपना देना है, मत देना है, तो अगर वो 50% से ज़्यादा लोग हाँ कर दें तो उसको रिमूव किया जा सकता है। एंड दिस इज डन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 94 एंड 96। तो स्पीकर इज ऑल्सो रिमूव्ड ऑन बींग डिसक्वालिफाइड फॉर बींग लोकसभा मेंबर अंडर सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये हमारे एक्ट हैं, कानून है, जो संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। लोकसभा का अगर मेंबर उसको डिसक्वालिफाई हो जाए, उसकी मेंबरशिप जो है वो डिसक्वालिफाई हो जाए किस एक्ट के अकॉर्डिंग, 7th एंड 8th ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अगर उसकी अगर वो अपनी मेंबरशिप को क्वालिफाई नहीं करता तो भी उसको हटा सकते हैं। अगर 50% से ज़्यादा मेंबर्स उसके अगेंस्ट वोट कर दे तो भी उसको हटाया जा सकता है। नाउ सी द स्टूडेंट्स पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, क्या काम करता है, उसकी शक्तियाँ, उसकी पावर्स कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंडक्ट्स द बिजनेस इन हाउस, मतलब लोकसभा उस हाउस के जो भी कामकाज हैं वो सारे वही देखता है। एंड डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। स्टूडेंट्स यू मस्ट रिमेम्बर कि हमने पढ़ा था कि लोकसभा में जो मनी बिल है, बजट से रिलेटेड मनी बिल, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टैक्सेस है, ये सारे बिल हमें लोकसभा में ही शुरुआत होती है इनकी, दीज आर इनिशिएटेड इन द लोकसभा। और ये डिसीजन कौन देता है कि बिल ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, दिस डिसीजन इज डन बाय स्पीकर। ये बहुत मेजर डिसीजन है, अगर इस डिसीजन में चूक हो जाए तो स्पीकर को रिमूव भी किया जा सकता है। सो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली ये वर्क है उसका। ही डिसाइड्स इधर द बिल इज मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल। द स्पीकर डिसाइड्स ऑन द एजेंडा टू बी टेकन अप फॉर द डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग। मीन्स कि मीटिंग में क्या एजेंडा, किस टॉपिक पे बात करनी है, ये सारा कौन तय करता है, हमारा स्पीकर डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज द स्पीकर ऑल्सो प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स अगर हमारे पार्लियामेंट का सांझा जॉइंट सेशन हो रहा है तो उस केस में भी स्पीकर जो है दोनों हाउसेज की मीटिंग को प्रिजाइड ओवर करेगा, मतलब सेशन की प्रधानगी करेगा। द स्पीकर इज आंसरेबल टू हाउस, ये अपने हाउस के लिए, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है अपने कामों के लिए। ऑल द बिल पास्ड रिक्वायर्ड हिज और हर सिग्नेचर्स टू गो टू द राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशन। नाउ स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर, आपको पता होगा कि जो एक हाउस से बिल पास हो जाता है तो दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है।
सपोज अगर लोकसभा में बिल पास हो गया तो उसके ऊपर सिग्नेचर किसके होंगे? लोकसभा में स्पीकर के सिग्नेचर होंगे। अगर स्पीकर ने लोकसभा में बिल पास कर दिया, उसके ऊपर साइन कर दिया, फिर वो कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है ताकि उसको कंसिडर किया जा सके। नाउ सी द नेक्स्ट। अगर सपोज हमारे स्पीकर एब्सेंट है तो उनकी एब्सेंस में हु विल डू द वर्क? इन हिज एब्सेंस द डेप्टी स्पीकर इज देयर टू डू द वर्क ऑफ स्पीकर। सो डेप्टी स्पीकर एक्ट्स एज अ स्पीकर। अगर सपोज दोनों एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ बोथ आई हैव मार्क्ड इट इन द रेड कलर। सी द हाईलाइट मैटर। इफ द बोथ स्पीकर और डेप्टी स्पीकर बोथ आर एब्सेंट, इन दैट केस हु विल प्रिजाइड ओवर द वर्क? इन दैट केस अ कमेटी ऑफ सिक्स मेंबर्स दैट इज सिलेक्टेड बाय द स्पीकर विल एक्ट एज अ स्पीकर अकॉर्डिंग टू देयर सीनियोरिटी। जो बाकी मेंबर्स हैं हमारे, उनमें से सिक्स सीनियर मेंबर चूज कर लिए जाते हैं और ये हमारा स्पीकर ही चूज करता है। उन दोनों की एब्सेंस में ये हमारी कमेटी वर्क करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेप्टी स्पीकर। अभी हमने डिस्कस किया हु इज द डेप्टी स्पीकर। डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द वाइस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। स्टूडेंट्स यू मस्ट रिमेंबर हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दैट इज स्पीकर, एंड वाइस प्रिजाइडिंग ऑफिसर दैट इज डेप्टी स्पीकर। ओके, सो दीज बोथ ऑफिशियल्स आर फाउंड इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में पाए जाते हैं, दैट इज लोअर हाउस। दे एक्ट एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन केस ऑफ लीव और एब्सेंस कॉज्ड बाय और इलनेस और डेथ ऑफ द स्पीकर इन लोकसभा। इट इज बाय कन्वेंशन दैट पोजिशन ऑफ डेप्टी स्पीकर इज ऑफर टू द अपोजिशन पार्टी इन इंडिया। सो स्टूडेंट दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट इन द माइंड। जो हमारे स्पीकर हैं वो नॉर्मली स्पीकर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीकर, स्पीकर जो है नॉर्मली हमारी रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, और जो हमारे वाइस डेप्टी स्पीकर हैं, वाइस प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो कहाँ से होते हैं? नॉर्मली वो अपोजिशन पार्टी से लिए जाते हैं। नाउ डेप्टी स्पीकर ही इज ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर लोकसभा। वो भी उनको रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। द एलिमिनेशन इज डन बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी इन लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स हैं तो उसकी जो उसकी सिलेक्शन है, उसका वर्क है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी लोकसभा के लिए है। सो देर इज नो नीड टू रिजाइन फ्रॉम द ओरिजिनल पार्टी थ्रू एज अ डेप्टी स्पीकर। दे हैव टू रिमेन इम्पार्शियल। दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डेप्टी स्पीकर है किस पार्टी से, उनको आफ्टर बींग द डेप्टी स्पीकर उनको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिजाइन। ओके, बिकॉज उसका जो वर्क है उसने इम्पार्शियल होकर वर्क करना है। इधर ही बिलोंग्स टू द अपोजिशन और ही बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, हिज वर्क मस्ट बी इम्पार्शियल, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, पक्षपात के वो वर्क करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द डेप्टी स्पीकर। इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्पीकर द डेप्टी स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द सेशन ऑफ लोकसभा एंड कंडक्ट्स ऑल द बिजनेस इन द हाउस। मतलब लोकसभा के जो भी काम है, मीटिंग्स है, सारा काम कौन करता है? डेप्टी स्पीकर। व्हेन इन केस द एब्सेंस ऑफ स्पीकर ही ऑल्सो डिसाइड्स वेदर द बिल इज अ मनी बिल और अ नॉन मनी बिल। ही मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द हाउस। मतलब जो हाउस में लोकसभा में जब भी सेशन हो रहा है वहां पे शांति बनाए रखना, डिसिप्लिन बनाए रखना, ये सारा काम देखते हैं हमारे स्पीकर और डेप्टी स्पीकर। एंड ही कैन ऑल्सो पनिश अ मेंबर फॉर अनरियली बिहेवियर बाय सस्पेंडिंग हिम और हर। अगर किसी मेंबर का बिहेवियर अनरियली है, कोई र्यूड है, आउट ऑफ डिसिप्लिन है, तो उस केस में उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। दे परमिटेड द मूविंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मोशंस। मतलब बहुत सारे मोशंस होते हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है, मोशन ऑफ एडजर्नमेंट है, किसी चीज़ को ऊपर मुद्दे के ऊपर जा, स्पेशल मुद्दे के ऊपर ध्यान दिलाना है, मोशन ऑफ सेंसर है, कॉलिंग अटेंशन है, ये सारे नोटिस ऐसे मुद्दों पे ध्यान दिलवाते हैं हमारे स्पीकर और डेप्टी स्पीकर। सो नाउ द लास्ट ऑफिशियल इज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, दिस इज द सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट। हमारी संसद के जो एक सेक्रेटरी है, एक वो फॉर्मल जो ये उनका डेजिग्नेशन है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी
इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये नॉर्मली कहाँ पे होते हैं, इन द वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम, हु असिस्ट मोर सीनियर मिनिस्टर विद देयर ड्यूटीज। ये नॉर्मली हमारे वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम में है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसा होता है कि वो सीनियर मिनिस्टर को अपने साथ रखते हैं ताकि उनके वर्क में थोड़ी परफेक्शन जो उनको असिस्ट करते हैं। इन सेवरल कंट्रीज वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ मेनी कंट्रीज वेयर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज आर फाउंड, दीज आर रीडेजिग्नेटेड एज असिस्टेंट मिनिस्टर। ये एक तरह के असिस्टेंट मिनिस्टर हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या, उनका अहदा जो है उनको पार्लियामेंट सेक्रेटरी का अहदा डेजिग्नेशन दिया जाता है। अब पार्लियामेंट सेक्रेटरीज जो है इस सिस्टम में, जैसे हमारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जैसे यूनाइटेड किंगडम्स हैं, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी है, इट इज़ कस्टमरी, एक रवायत बन गई है फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू अपॉइंट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। मतलब एक रवायती तौर पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट के सेक्रेटरीज को अपॉइंट कर देते हैं। ओके, ये पार्लियामेंट सेक्रेटरीज एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये पोलिटिकल पार्टी से हैं, उनका मेन मकसद होता है कि टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर विद देयर वर्क, ताकि वो जो कैबिनेट मिनिस्टर है, मेन मिनिस्टर हैं जिनकी इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियोज हैं, दे हेल्प देम फॉर देयर दे हेल्प देम इन देयर वर्क। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट सेक्रेटरीज हैज वेरिड अंडर द डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर। हर प्राइम मिनिस्टर के रोल में उसके अंडर जो भी सेक्रेटरीज हैं उनका काम डिफरेंट पार्लियामेंट में होता है। तो मतलब जैसा प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो सेक्रेटरीज हैं वो टाइम टू टाइम उनका वर्क वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ओरिजिनली द पोस्ट वॉज यूज एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द फ्यूचर मिनिस्टर। एक्चुअली शुरू में क्या था, जो सबसे पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज थे उनका मेन वर्क क्या था, जो आने वाले टाइम में मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स को ट्रेन करना है। ओके, सो दिस वॉज द वर्क ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। सो स्टूडेंट, दीज वर द न्यू टॉपिक्स। आई सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो रिपीटेडली, द टॉपिक इज वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग। सो टू हैव द बेटर रिजल्ट्स, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड रिपीटेडली वॉच द वीडियो टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। And thanking you for being here. In the last, I will suggest you to keep the videos save. Okay, create a save list so that you can utilize the videos during the exam time also. So keep the videos save with you on the YouTube channel. Okay, and don't try to download the videos. It may hack your phone. It may create mesh in the phone memory. So keep a save list. For this, first of all, you need to subscribe the channel. So students, we will be soon there with the new topic. Till that, goodbye students.